गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सौम्या खत्री और आज हम करने वाले हैं व्लॉग, क्योंकि हम कराने जा रहे हैं कुछ ऐसा जो कि मैं बाद में रिग्रेट करूं मे बी, और शायद ना भी करूं। तो मैं कराने जा रही हूं आज अपना हेयर कट, और मैं सोच रही हूं मैं काफ़ी शॉर्ट करा लूं। बहुत टाइम से सोच रही हूं, फाइनली आज दिन वो मुहूर्त आ ही गया। तो अभी हम जा रहे हैं गलेरिया के सामने है एक मॉल, क्या नाम है, क्रॉस पॉइंट मॉल। वहाँ से जाके हम कराएंगे टोनियन गाय से हेयर कट। तो हम पहुँचते हैं वहाँ पे और फिर वहाँ का मैं आपको दिखाती हूँ। फाइनल लुक, मतलब आफ्टर लुक, मुझे ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। एक्चुअली सच बताऊँ तो अभी मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे रिएक्ट करूँ, बट हाँ मुझे बहुत ही बढ़िया लग रहा है ये। मुझे तो ये बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, ऐसा मतलब अभी मेरे को ऐसे ही लग रहा है, बहुत अजीब सा भी लग रहा है और ये मुझे बहुत अच्छे भी लग रहे हैं, क्योंकि मेरे लिए ये बहुत तगड़ा 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 चेंज है। आई डोंट नो ये धुलने के बाद मैं इसको रिग्रेट ना करूं। वैसे मैंने उनको पहले ही बोल दिया था कि मुझे कुछ ऐसा लुक दे दो जो कि वॉश होने के बाद भी मुझे ब्लो ड्रायर और इन सब के बिना भी थोड़ा सा वॉल्यूम लगे। तो अभी उसी के हिसाब से हुआ है, तो मैं कल एक बार हेड वॉश के बाद भी आपको दिखा दूँगी कि ये कैसा लुक है। अभी तो ये बहुत ही बढ़िया लग रहा है, मुझे काफ़ी अच्छा हेयर कट किया उन्होंने। आप लोगों को कैसा लग रहा है मुझे नीचे ज़रूर बताना, क्योंकि आफ्टर 10 ईयर्स मैंने थोड़ा सा चेंज लिया है अपने हेयर कट को लेके, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है ये। तो भाई अब हो गया है नेक्स्ट डे और मैंने हेड वॉश कर लिया है और मैं इसको सुखाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं धूप में बैठ गई हूँ क्योंकि मैं कुछ भी ब्लो ड्रायर या ऐसा कुछ यूज़ करके इनको नहीं सुखाना चाह रही हूँ। मैं देखना चाह रही हूँ कि इनका लुक कैसा आएगा, तो बहुत जल्दी मुझे लग रहा है ये सूख जाएंगे। धूप काफ़ी अच्छी निकली हुई है, सर्दियों में वैसे ही बहुत मज़ा आता है ऐसे नहा के बस सीधा धूप के आगे बैठ जाओ। मुझे तो अपने छोटे वाले इतने इजी टू कैरी लग रहे हैं, मतलब जब दिल करे अपना धो लो फटाफट से। पहले तो मुझे सोचना पड़ता था हेड वॉश करूँ ना करूँ, मुझे लग रहा है बहुत जल्दी सूख जाएंगे। तो ये जैसे ही सूखते हैं मैं आपको इनका लुक दिखाती हूँ। मैं कोई ब्लो ड्रायर ऐसा कुछ भी यूज़ नहीं करने वाली हूँ हीट अपने बालों पर, ये प्रॉपर सनलाइट से ये सूखेंगे, वो मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसा लुक आएगा। मैं ना 2 साल पहले भी गई थी टोनियन गाय अपनी भाभी के साथ, तो ना तब भी मेरे बाल इतने लंबे थे, तो ना मैं वहाँ गई और उन्होंने मेरे बाल ऐसे ऐसे करे, ठीक है, मेरे लंबे लंबे बाल ऐसे ऐसे करे। और ना मैं तब भी सोच गई थी कि मैं शॉर्ट कराऊंगी, तब भी बहुत फैशन में था ये शॉर्ट हेयर, तो मैंने सोचा था कि मैं शॉर्ट कराऊंगी, मुझे थोड़ा चेंज करना है अपना लुक एंड ऑल। तो मैं वहाँ गई और उन्होंने ऐसे ऐसे किए मेरे बाल ऐसे ऐसे, एंड ही वाज लाइक आर यू श्योर। तो फिर मुझे लगा ओके, फिर मुझे लगा नहीं मैं नहीं करा पाऊँगी। तो फिर मैं उसी में ही एक नया लुक लेके आ गई थी जो कि बहुत अच्छा हुआ था, मुझे बहुत ही अच्छा लगा था वो। बट फिर मैं अब तो इतनी बोर हो गई थी अपने बालों से कि मुझे अब बिल्कुल भी, सच बताऊँ तो बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ जब मेरे बाल कटे, क्योंकि मुझे लगा था मुझे रोना आएगा, यू नो मैं शायद वो चीज़ नहीं अंडरस्टैंड कर पाऊँगी कि मैं अपने बाल इतने छोटे करा चुकी हूँ। बट मुझे कोई फ़र्क पड़ा नहीं खास, मुझे बहुत ही अच्छा लगा अपने आप को इस नए लुक में देख के। और हाँ अभी तक तो बहुत अच्छा लग रहा है, अब ये सूखने के बाद आज कैसे लगते हैं मुझे पता चलेगा। हाँ थोड़ा थोड़ा अजीब मुझे ज़रूर लग रहा था अपने आप को देख के कि ये क्या हो गया, और ऊपर से मेरे ना कल कर्ल्स
से भी करा लिए थे, ऐसे कुछ वेव्स से बनवा लिए थे, वो मुझे इतने अच्छे लगे नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है शायद स्ट्रेट ही मेरे ऊपर ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो आज जो ये हेड वॉश के बाद जो मेरे ये सूखेंगे तो ये स्ट्रेट ही निकलेंगे, क्योंकि मेरे वैसे स्ट्रेट ही हैं। तो मैंने जो वेव्स कराए थे वो मुझे इतने अच्छे लगे नहीं अपने ऊपर। आप लोगों को कैसे लगे वो आप मुझे बताना नीचे कॉमेंट सेक्शन में। मुझे पर्सनली इतने अच्छे नहीं लगे, मुझे लग रहा है मेरे ऊपर स्ट्रेट शायद ज़्यादा अच्छे लगेंगे, बाकी देखते हैं। मुझे तो चेंज बहुत ही ज़्यादा पसंद है, एक जैसा एक जैसा एक जैसा लुक कब तक यार, एक ही लाइफ है, कुछ तो डिफरेंट होना चाहिए ना। मेरे को ना जब से मैंने हेयर कट कराया, मैं जब भी किसी नए बंदे से मिलती हूँ या मैं फ़ोन पे भी बात करती हूँ ना, तो मुझे सबसे पहला क्वेश्चन ये होता, हेयर कट करा लिया क्यों? क्योंकि मेरा मन था, क्योंकि मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी, मुझे अपने लंबे बाल अच्छे नहीं लग रहे थे, इसलिए मैंने हेयर कट करा लिया। तो अब जो भी ये व्लॉग देख रहे हैं, अगर आपके मन में क्वेश्चन है कि मैंने किसी और रीज़न से कराया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे को सिर्फ मन भर गया था उस लुक से, तो मैंने थोड़ा चेंज करने के लिए ये चीज़ कराई है। आप लोग जो भी व्लॉग देख रहे हो, आप लोग मुझे बताना कि आप लोगों को पर्सनली क्या पसंद है, शॉर्ट हेयर या लॉन्ग हेयर, क्या आप लोग प्रेफर करते हो? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये शॉर्ट हेयर जो है वो ज़्यादा इजी टू कैरी रहेंगे, क्योंकि मेरे जब लॉन्ग हेयर थे तो मुझे बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता था कि मैं हेड वॉश करूँ ना करूँ, और मुझे ना मैं इतनी यू नो चीज़ें कैरी करने में मुझे डिफ़िकल्टी रहती है कि मैं सोचूं कि कुछ भी ऐसा पहन लूं जो मैं कैरी ना कर पाऊं, तो मैं नहीं पहन सकती। और ऐसे ही मेरे बालों के साथ होता था कि मैं उनको ना सारा टाइम खोल के नहीं रख सकती थी, तो मुझे झूला बना के रखना पड़ता था, जिसकी वजह से मुझे अपनी एज बहुत ज़्यादा लगती थी। वीडियोज़ के लिए मैं कर लेती थी वो चीज़, बट डेली रूटीन में मेरे लिए मुश्किल होता था अपने बालों को खोल के रखना। तो उससे मुझे ऐसा लगता था मेरी एज बहुत बड़ी लग रही है। तो आई थिंक कुछ डिफरेंस आया बताना मुझे अगर लग रहा है तो। अगर मैं 2 साल छोटी लग रही हूँ तो मुझे बताना, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये व्लॉग पता नहीं मैं कब डालूँगी, तब तक आप लोग शायद देख भी चुके होंगे, मेरा लुक रिवील भी हो चुका होगा, बहुत लेट ही जाएगा शायद व्लॉग, क्योंकि बीच में मैं एक दो जगह घूमने भी जा रही हूँ, तो उसके बाद ही ये व्लॉग आ पाएगा। फाइनली हेयर कट कराने पहुंच गई थी, तब तक तो मैं अपना मन बना चुकी थी, बट उससे पहले जब मैंने डिसाइड किया था, जब मैं सोच रही थी कि मैं करा लूँ, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे हेयर कट कराना है, मुझे शॉर्ट कराने हैं, तो ही वॉज़ वेरी एक्साइटेड। मतलब वो हमेशा से चाहते ही थे कि यू नो मैं लुक थोड़ा सा चेंज करूँ या ऐसा कुछ, तो वो मुझे हर सैटरडे, चल सैटरडे संडे जैसे ही ऑफ आता था, चल मैं तेरा हेयर कट कराया हूँ। और मुझे लगता है अभी मैंने मन नहीं बनाया है, अभी मैं मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हूँ उस चीज़ के लिए। तो मुझे उस चीज़ में काफ़ी टाइम लग गया अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करने में कि ओके मैं अब इनको कट करने वाली हूँ, ये शॉर्ट होने वाले हैं। तो जब मैंने एक बार अपना माइंड बना लिया था, उसके बाद मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा जब ये कटे। और जब मैं वहाँ गई थी हेयर कट कराने, तो वहाँ पर जो हेयर ड्रेसर थे, तो जब मैं वहाँ पहुँच गई थी हेयर कट कराने, तो वहाँ पर जो हेयर ड्रेसर थे उन्होंने मेरे से पूछा अगर मैं अपने हेयर डोनेट करना चाहती हूँ, तो मुझसे पूछा अगर मैं अपने हेयर डोनेट करना चाहती हूँ, तो आई वाज लाइक या श्योर, मतलब आई वुड लव टू डू दैट। तो उन्होंने मुझे हेयर ड्रेसर ने मेरे को पूछा कि अगर मैं अपने यू नो हेयर डोनेट करना चाहती हूँ जो मैं कट करा रही हूँ, तो मैंने उनको बोला कि हाँ बिल्कुल मैं करना चाहती हूँ। तो हुआ क्या कि ना फिर उन्होंने मुझे बोला कि जो हेयर कट होते हैं जो डोनेट होते हैं वो 7 इंचेस से ऊपर होने चाहिए, तो मेरे 7 इंचेस से ऊपर तो थे बट सेम लेंथ में नहीं थे, वो सेम लेंथ में भी होने चाहिए, तो सेम लेंथ में नहीं थे इसलिए मैं उसे डोनेट नहीं कर पाई। तो अगर आप में से कोई करना चाहता है तो वो कर सकते हैं, तो उसकी ये रिक्वायरमेंट्स होती हैं। और तो या तो अब ये ऑलमोस्ट सूख ही गए हैं, तो इनमें जैसा मुझे बाउंस चाहिए था वैसा ही है। डेली रूटीन में कैरी करने के लिए बहुत ही अच्छे हैं, बिल्कुल ऐसे नहीं है कि चिपक गए हों, उन्होंने काफ़ी अच्छा सा यू नो हेयर कट दिया है। और इसमें एक चीज़ और कर सकते हैं हम कि अगर मैं कहीं जा रही हूँ तो अपने पूरे बालों को ऐसे नीचे की तरफ करके और ऊपर से ब्लो ड्रायर चला के और कॉम को कॉम करके और ऊपर से ब्लो ड्रायर करके बाल नीचे की तरफ करके करेंगे तो उससे बाउंस आ जाता है, बट मुझे डेली रूटीन में
ये बहुत ही सही लग रहा है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ऐसे चिपका हुआ हो, ऐसा नहीं है। तो उन्होंने, मैंने उनको पहले ही बोल दिया था कि मुझे ऐसा लुक नहीं चाहिए जो मुझे डेली डेली ब्लो ड्रायर ऐसा कुछ करना पड़े। सो या मैं बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस्ड हूँ अपने लुक से। आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना कॉमेंट सेक्शन में। ये है मेरा इवनिंग का लुक, मतलब सूखने के बाद, अब बहुत देर बाद, 4-5 घंटों के बाद ये ऐसे लग रहे हैं, एंड आई लव देम। पता नहीं कितनी बार बोल चुकी हूँ मैं, बट मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, बिल्कुल ऐसे चिपके चिपके नहीं लग रहे हैं, बाउंसी लग रहे हैं, एंड बहुत ही मैनेजेबल हो गए हैं और मुझे बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। सो या सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।